रहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखो मतलब जैसे कि हमको इंशाल्लाह 8 तारीख को सफ़र करना है दिल्ली के लिए, तो अपने यहाँ से हम निकलेंगे गोंडा जिला से, तो हमारा टिकट उधर से वापसी का 12 तारीख का हुआ है, दिन शनिचर का, यानी कि तकरीबन समझ लीजिए कि 5-6 दिन का मेरा टूर रहेगा वहाँ पे। तो मेरा वापसी हमने तय कर लिया है कि 12 तारीख का मुझे वापस करना है। तो इस दौरान और 8 तारीख के दौरान में जो मुझे वहाँ नमाज़ पढ़नी होगी, वो कसर पढ़नी होगी या मतलब वो पूरा नमाज़ पढ़ना होगा, इसके बारे में बताएं। जज़ाकअल्लाह। ये एक भाई साहब है, इनका सवाल ये है कि वो 8 तारीख को जा रहे हैं कहीं पे, 12 तारीख को वहाँ से लौटने का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जब रहेंगे तो कसर करेंगे कि नहीं। तो देखिए, कहीं पर भी अगर आप 4 दिन रुकते हैं, 4 दिन या उससे जायद आप ठहरते हैं, तो आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये जहन में रखें, ये फार्मूला जहन में रखें, कहीं पर भी अगर आप 4 दिन उससे ज़्यादा रुकते हैं तो समझिए आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर 4 दिन से कम है, आप 2 दिन रुकते हैं, लेकिन अगर आप 8 तारीख को जाते हैं और 12 को वापस आ जाते हैं, तो मुश्किल से शायद 3 दिन रहेगा जहां आप रुकेंगे। तो इसमें आपको मुकम्मल नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कसर करेंगे। लेकिन याद रहे कि कसर सिर्फ 4 रकअत वाली नमाज में, जोहर है, असर है, ईशा है, लेकिन मगरिब में और फजर में कसर नहीं है, वो जितनी रकात है उतना ही आपको। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।